जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब आए, आप जानते ही हो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के लिए कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, ये कोई राजनीतिक मौका भी नहीं है, परंतु हर क्षेत्र के अंदर देश नीचे 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 जाता, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार सरफेस पर आ चुके थे, सार्वजनिक जीवन पर श्रद्धा पाताल के अंदर पहुंच गई थी, दुनिया भर में देश का कोई सम्मान नहीं था, हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बिल्कुल लचर हो पड़ी थी, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था, नीतिगत फैसले महीनों तक सरकार की आंतरिक उलझनों में उलझते रहते थे, एक मंत्री महोदय ऐसे थे पूरे 5 साल कैबिनेट में ही नहीं आए, कई सारी ऐसी चीजें थी जो सवाल करती थी कि कैसे चल सकता है। ऐसे माहौल में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री का चैलेंज उनके सर पर आया और आज हम देख सकते हैं कि 7 साल के अंदर सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह से, हाँ समस्याएं आती है, आएगी भी, भविष्य में भी आएगी, मगर समस्या को एड्रेस किया जाता है, तत्काल एड्रेस किया जाता है, उसका समाधान निकालने का प्रयास किया और संवेदनशीलता के साथ उसको आगे बढ़ाया जाता है, और इसके कारण एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद हुई। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, ये तो अमेरिका के लिए रिजर्व चीज थी, वही कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। आज इसके कारण भारत के युवा का हौसला हुआ है, हम भी कर सकते हैं। कभी ये नहीं हो सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का साहस भारत में है और हम पहुंच सकते हैं। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं।